दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसी दौरान उन्होंने इंदौर और भोपाल को भी बड़ी सौगात दी। इंदौर में नवनिर्मित ईएसआईसी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया, जबकि भोपाल में एम्स में कौटल्य भवन और ड्रोन सेवा की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने प्रदेश के 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ की सम्मान निधि ट्रांसफर की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, मंदसौर, नीमच और सिवनी की। मैं आग्रह करूंगा हमारे डीन इस समय डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व का ही प्रतिफल कि आज मध्य प्रदेश हर दिशा में अग्रणी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन आज तो यहीं पे मंदसौर से सच्चे अर्थों में हमारे किसानों की दिवाली भी मनी है। 88 लाख किसान के परिवार, अब बताइए, पहले दूसरी सरकारें थी उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं। यहां 88 लाख परिवारों को 6,000 रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से 1,625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है। ये सौगात यहां से दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए और महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात में सरकार उनके साथ है, लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी में कोई लापरवाही करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन के समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों को दंडित करना था दंडित किया गया है और सरकार शपथ लेने के साथ ही जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नीचे तक सुशासन को उतारना है और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला हो, महंगाई भत्ता का, तो हम सरकार उनके साथ है। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ है, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है, जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगाई। और राजगढ़ में नरसिंह महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोधिया नाराज हो गए। अधिकारियों पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने फटकार तक लगाई, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराज हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोधिया जमीन पर ही बैठ गए। जमीन पर बैठे अध्यक्ष को मनाने खुद कलेक्टर और मंत्री गौतम टेटवाल नीचे आए और उन्हें मंच पर बैठाया गया। आइए आइए, आप ऊपर आ जाइए। कैसे आ जाए शाम जी? आइए आप, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। अपमान करते हो मेरा। अरे आ जाए अध्यक्ष जी, भोपाल से ही बन के, अगली बार ध्यान रखेंगे, सब ध्यान रखेंगे भैया अध्यक्ष जी का। मैं निवेदन करता हूँ अध्यक्ष जी, दरअसल भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है कि हिंदुओं के त्यौहार पर हिंदुओं से व्यवहार करें। राजधानी भोपाल में बजरंग दल ने जगह जगह बैनर लगाए हैं जिस पर लिखा है कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि दीपावली हर सनातनी का बड़ा त्यौहार है। श्री राम के अयोध्या आगमन पर त्यौहार मनाया जाता है और हर हिंदू के घर में दीपावली मने, इसीलिए उनसे ही सामान खरीदें। बजरंग दल के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने अपील को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, ऐसे में सामाजिक संगठनों से इस तरह की अपील आना स्वाभाविक है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सनातन के विरुद्ध खड़े रहने वालों और बोलने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही
सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, जिसने ये बयान दिया है उस पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। तीज त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। जहां पर बजरंग दल के पोस्टर के बाद अब संस्कृति बचाओ मंच ने भी दुकानों पर जाकर पर्चे बांटकर सनातनियों को सनातनी लोगों की दुकान से सामान खरीदने की अपील की है। ये भोपाल की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जहां पर सनातनियों से अपील कि सनातनियों से ही सामान खरीदें और ये पोस्टर लेकर के ये सभी पहुंचे हैं। बजरंग दल के ये नेता हैं जो अपील करते हुए लोगों से नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने भोपाल की सनातनियों की दुकान से खरीदी की अपील इनके द्वारा की गई है। पोस्टर हाथ में लिए गए हैं, जगह जगह पोस्टर इनके द्वारा लगाए गए हैं। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समाज से जाति पाति और ऊंच नीच का भेद मिटाने के अपने संकल्प के तहत आदिवासी समाज के बीच पहुंचे। स्कूली छात्र छात्राओं सहित आदिवासी लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश दिया है। उन्होंने देश के सभी मठ मंदिरों से अनुरोध किया है कि वो मंदिरों की जमीन पर गुरुकुल और गौशाला बनाएं ताकि शिक्षा के साथ गायों की सेवा हो सके। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दे तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा। पर हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी के मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ बेटियों को करने की स्वतंत्रता है, कोई अपराध नहीं है। उमरिया का जिक्र करेंगे, चार जंगली हाथियों की मौत हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह घटना है, करीब दर्जन भर हाथी बीमार बताए जा रहे हैं। हाथियों को जहर देने की आशंका है, सूचना पर डॉक्टरों की टीम पहुंची है। बीमार हाथियों का इलाज अब किया जा रहा है। तो उमरिया का हम जिक्र कर रहे हैं, चार जंगली हाथियों की मौत की खबर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की यह पूरी घटना बताई जा रही है, करीब दर्जन भर हाथी बीमार भी हैं। हाथियों को जहर देने की भी आशंका है, सूचना पर डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है। बीमार हाथियों का इलाज भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जांच पड़ताल भी पूरे ही मामले में हो रही है। तो कई सारे हाथी बीमार और आपको ये भी बताएं कि चार जंगली हाथियों की मौत भी हुई है। ये पूरा जो मामला है बांधव टाइगर रिजर्व का है, करीब दर्जन भर हाथी जो है बीमार भी हैं। छतरपुर में पति पत्नी के विवाद के चलते दो बच्चों के साथ 25 वर्षीय महिला ने गहरे कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई। महिला को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, इलाज जारी है। घटना की जानकारी लगते ही राजनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। सागर जिले के राहतगढ़ में खाद वितरण को लेकर किसानों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कुर्सियां भी टूट गईं। बता दें कि कृषि उपज मंडी में स्थित केंद्र पर खाद का वितरण किया जा रहा था और इसी दौरान किसानों में पहले खाद लेने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। खाद को लेकर मारपीट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सागर से। दरअसल खाद वितरण केंद्र पर किसान आपस में ही भिड़ गए। जो किसान आए उनको खाद दिया जा रहा है, अपने पास 800 बोरी थी, 70 टन आया था जिसमें से 30 टन सोसाइटियों को दे दिया गया है
अपने पास 40 टन था उसमें से किसानों को वितरित किया जा रहा है। यहाँ बाहर विवाद भी हुआ है किसानों का जी, तो क्या किस बात को लेकर हुआ है विवाद? वो सर कि पहले मुझे चाहिए इस वजह से विवाद हुआ। बताया जा रहा है एक ट्रक माल आया था उसको वापस पहुँचा दिया, किस बात को लेकर वापस पहुँचाया? वो वापस नहीं गई है, वो समिति में गया है सोसाइटियों में, बेलखेड़ी और भैंसा समिति गया। नहीं तो माल वहीं रोका जा सकता था, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अपने पास जब तक नहीं आएगा जब तक सोसाइटियों को नहीं देंगे। दतिया से खबर है जहां पर इंदरगढ़ कृषि मंडी में किसान और व्यापारियों के बीच बोली लगाने को लेकर विवाद हुआ। किसानों का आरोप है कि सुबह धान की बोली करीब 2700 रुपए क्विंटल थी, बाद में व्यापारियों ने 2000 रुपए में बोली लगाई, जिसके चलते ज्यादातर किसान बिना फसल बेचे ही वापस लौट आए। और वहीं इसी मामले को लेकर किसानों ने मंडी प्रबंधन पर भी नाराजगी जताई है। गुना से खबर है जहां पर राघोगढ़ में बीते 10 दिनों में उल्टी और दस्त के चलते 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी मामले को लेकर पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाए, कहा कि एआरओ वाटर प्लांट के बावजूद शुद्ध पानी का अभाव है, लाखों का बजट है लेकिन बावजूद उसके बीमारियों का कहर है। इसको लेकर नगर पालिका के उपयोग यंत्री बीके गुप्ता ने कहा है कि पानी की गुणवत्ता सही है, प्रशासन स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। ये पानी की खराबी की वजह से ये मृत्यु हुई है, जो 5-6 केस हुए हैं जी, और केवल 2 वार्ड में हुए हैं, 5 नंबर और 6 नंबर, यहाँ ज़्यादा केस हुए जी। मैं वर्षों से कह रहा हूँ कि आरओ प्लांट लगाओ, जो सोर्स है जहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, नगर पालिका के पास पर्याप्त राशि है, नहीं है तो शासन से लो और आरओ प्लांट लगा दो, आज तकनीकी उपलब्ध है। एक खराब दूषित पानी की वजह से इतने लोगों की जान चली जाए। और अब बात